वेलकम बैक टू आपके अपने चैनल फ्यूचर स्टार्स क्रिकेट क्लब में और आप हैं अपने दोस्त आशुतोष के साथ। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन जरूर प्रेस कर दे, जिससे हर आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। पेस बॉलिंग इज टोटली बेस्ड ऑन मोमेंटम एंड रिदम। तो अगर आप पेस बॉलर हैं तो आपका रिदम मोमेंटम बढ़िया होना चाहिए, और रिदम मोमेंटम तब आपका बढ़िया होगा जब आपका रनअप स्मूथ और अच्छा होगा। तो आप ये भी कह सकते हैं बेसिक पेस बॉलिंग का बेसिक है आपका रनअप का स्मूथ और अच्छा होना। कभी कभी आप बॉल डालते वक्त आप देखे होंगे कि आपको वो फील नहीं आता, और कभी कभी आप देखते होंगे नेट से मैच में बॉल डालते हो आपको बहुत अच्छा फील आता है और आप अच्छी बॉलिंग करते हैं। तो आप नोटिस करेंगे तो जिस दिन आपकी बॉल अच्छी पड़ रही होगी उस दिन आपका रनअप पे आपको अच्छा फील आया होगा, आप बहुत तेज और अच्छे भाग कर आ रहे होंगे। और जितने भी आप अच्छे तेज गेंदबाज देखे होंगे सबका रनअप बहुत अच्छा होगा और वो एकदम फास्ट बॉल रनअप में दौड़ते होंगे। उसके साथ साथ आप एक चीज और नोटिस करेंगे उनकी बॉलिंग में कि वो रनअप में अपनी टॉप स्पीड पकड़ने में बिल्कुल टाइम नहीं लेते, वो स्टार्ट करते हैं स्मूथ तरीके से और तुरंत टॉप स्पीड पकड़ लेते हैं। तो ये वीडियो लंबा होगा आपका, लेकिन इसको लास्ट तक देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। आपके रनअप से जुड़े जितने भी प्रॉब्लम्स हैं वो सॉल्व हो जाएंगे इसमें जो मैं ड्रिल्स बताऊंगा, तो आप अगर उस ड्रिल्स को फॉलो करेंगे, क्योंकि और आपको एक चीज मैं और बता दे रहा हूं, आपको फॉलो करना होगा। मैं इस वीडियो में कोई ऐसी चीज नहीं बता दूंगा कि आप उसको सुनेंगे और आपकी बॉलिंग रनअप इंप्रूव हो जाएगी या बॉलिंग आप अच्छे करने लगेंगे। आप तभी अच्छे कर पाएंगे जब आप उसको पर्टिकुलर फॉलो करेंगे, 10 से 15 से 20 दिन आप करेंगे तो आपका रनअप बिल्कुल स्मूथ और अच्छा हो जाएगा। मिस्टेक जान लेना अलग बात है, उस पर काम करना अलग बात है। तो आपकी प्रॉब्लम्स तब सॉल्व होगी जब आप उस पर काम करेंगे। तो जो मैं ड्रिल्स बताऊंगा आपको उसको फॉलो करना पड़ेगा, क्योंकि सिर्फ मेरे ड्रिल्स बताने से आपकी बॉलिंग या बॉलिंग रनअप इंप्रूव नहीं हो जाएगा, तो उसमें आपको फॉलो करना पड़ेगा। और उसमें आपको मैं ये भी बताऊंगा कि आप कैसे अपना रनअप चेक कर सकते हैं कि आपका रनअप अच्छा है कि नहीं। तो आइडियल रनअप के लिए जो चाहिए मैं वो भी बताऊंगा कि एक मीडियम पेसर का आइडियल रनअप क्या होता है, कैसे हम डिसाइड करेंगे कि मीडियम पेसर का रनअप अच्छा है। आइडियल रनअप किसी भी तेज गेंदबाज का तब हम कहेंगे जब हम उनको देखेंगे कि वो एक्शन में अलाइंड है। और एक चीज और आप गौर करेंगे कि वो टॉप स्पीड अपना क्विकली पकड़ लेते हैं। रनअप मार्किंग बेहद ही जरूरी है, आपको बॉल वहीं से डालना है जहां आप रनअप मार्क करेंगे। तो आपका रिदम तब भी टूटता है जब आप एक बार कुछ 15 कदम से बॉल डालते हैं फिर 14 कदम से डालते हैं। तो आपको ये ध्यान देना है कि एक ही रनअप से भागकर आपको बॉल डालना है। तो आज मैं आपको बताऊंगा आप रनअप अपना कैसे डिसाइड कर सकते हैं कि मैं 15 कदम कर लूं या 16 कदम कर लूं या 17 कदम कर लूं। तो उसके लिए आपको क्या करना है, जैसे ये हो गया आपका, समझ लीजिए बॉलिंग स्टंप हो गया, तो ये हो गया आपका नो बॉल। तो आपको नो बॉल से जाकर बॉल रिलीज करना है अपोजिट डायरेक्शन में, बैट्समैन की साइड में नहीं, अपोजिट डायरेक्शन में जहां पर रनअप लेंगे। जैसे इस तरीके से गए और आपको और आप ध्यान ये देंगे कम से कम आपको 10 से 12 बॉल डालना है और उसमें एवरेज निकाल लेना है आपका कि फ्रंट फुट कांटेक्ट आपका कहाँ हो रहा है। आप अपने फ्रेंड्स को खड़ा कर सकते हैं, वो आपका देखे कि आपका फ्रंट फुट कांटेक्ट कहाँ हो रहा है। आप पार्टिकुलर हर बार नंबर जहाँ कांटेक्ट हो वहाँ लगवा दीजिए, और जहाँ एवरेज आपका फ्रंट फुट कांटेक्ट हो रहा है वहीं से आप रनअप मार्क कीजिए। जैसे इस तरीके से मैं एग्जांपल के तौर पर दिखा रहा हूँ, मैं बॉल डाला हूँ, कम से कम समझ लीजिए मैं 10 या 15 बॉल डाला हूँ। तो आपको क्या देखना है, जैसे आप सपोज कीजिए मैं 10 बॉल डाला हूँ, तो मेरा 2 बॉल यहाँ फ्रंट फुट कांटेक्ट हुआ है और 1 यहाँ और 7 यहाँ हुआ है। तो जहां मेरा 7 बार फ्रंट फुट कांटेक्ट हुआ है वही मेरा बॉलिंग रनअप का मार्किंग हो गया। तो यहां से मैं अपने आप स्टेप्स गिन लूंगा, छोटे छोटे स्टेप्स, वही मेरा बॉलिंग रनअप हो गया कि कितने कदम का मैं बॉलिंग रनअप लूं। क्योंकि जब भी मैं बॉल डाल रहा हूं तो एवरेज मेरा फ्रंट फुट कांटेक्ट यहां हो रहा है, इससे नो बॉल वाली प्रॉब्लम और रिदम वाली जो आप बार बार रिदम टूटता है वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो मैं रनअप मार्क करता हूं। मेरा रनअप 18 कदम का हो गया। तो जब भी मैं बॉल डालूं मुझे ये बात का बिल्कुल ध्यान देना है कि मैं 18 स्टेप से भी डालूं जो मैं मार्क किया हूं, ना मैं 19 कदम से डालूंगा ना 17 कदम से। तो मुझे जब भी रनअप में भागना है तो मैं 18 कदम से भागूंगा। तो
हम पहले ड्रिल की बात करेंगे तो पहले ड्रिल में आपको क्या करना है, ये आपका बॉलिंग स्टंप हो गया और ये आपका जहां फॉलो थ्रू में आपको निकलना है वहां तक। तो ये एक कोन में फॉलो थ्रू में रख दिया और एक कोन में रखूंगा जहां मैंने रन अप मार किया है 18 कदम पे। इस ड्रिल में आपको बॉल नहीं डिलीवर करना है और सारी चीजें फॉलो करनी है। और इससे जैसे क्या है, जब आप हम बॉल डालते हैं, जब बैट्समैन रहता है या सिंगल विकेट में भी, तब हमारे माइंड में आता है कि हमारी लेंथ होनी चाहिए, वो होनी चाहिए या रनअप में कैसे भागना है। तो अगर अगर हम बॉल नहीं लेंगे तो हमारा रनअप सही होगा। तो हमको क्या करना है, सिर्फ इसी तरीके जैसे आप मार किए हैं मार कर ले और स्टंप है वहां आपको सिर्फ स्प्रिंट लगाना है जैसे आप बॉल डालते हैं रनअप में, इस तरीके से। अगर आपके रनअप में प्रॉब्लम है तो इस ड्रिल को आप से कम 25 से 30 या मैं ये कहूंगा कि आप ज्यादा से ज्यादा कीजिए, आप 50 टू 70 करेंगे तो आपका रनअप एकदम बढ़िया हो जाएगा और रनअप में आप जो फंसते हैं या बॉल डालते वक्त आपको प्रॉब्लम्स होती है वो नहीं होगी। तो आप इस ड्रिल को फॉलो कीजिए। और अब मैं आपको दूसरी ड्रिल बताऊंगा। दूसरी ड्रिल में आपको बॉल डालते वक्त जो आप अलाइन नहीं होते, तो जैसे क्या है, क्रिकेट एक टारगेट बेस्ड है तो आपको अपने टारगेट की तरफ सीधा जाना है एक सीधी लाइन में, तो आपका अलाइन होना जरूरी है। तो दूसरी ड्रिल में जो मैं बताऊंगा कि जो आपकी अलाइनमेंट वाली प्रॉब्लम है, आप बॉल डालते वक्त आड़ा तिरछा भागते हैं, सीधा नहीं भागते, अगर इस ड्रिल को फॉलो करेंगे तो आपका जो ये अलाइनमेंट वाली प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगी। तो ये ड्रिल आपकी अलाइनमेंट के लिए है, जैसे आप टारगेट की तरफ एकदम सीधी रेखा से फुल फोर्स के साथ भाग सके जिससे आपकी बॉलिंग अच्छी हो सके। तो इसके लिए आपको क्या करना है, आप सीधी रेखा में तब भागेंगे जब आप कुछ मार्क रखे हुए, तो आपको सीधी रेखा में जहां आपका रनअप हो वहां इस तरीके से दोनों साइड में जहां आप से आपको भागना है वहां आपको सीधी रेखा में कोन रख देना है और यही ड्रिल करनी है जो ड्रिल आपने किया है स्टार्टिंग, सिर्फ इसी तरीके से। इन दोनों ड्रिल से करने से आपकी प्रॉब्लम्स जो है रनअप वाली सॉल्व हो जाएंगी। जैसे क्या है, आप जितने भी तेज गेंदबाज को देखेंगे जो जिनवन फास्ट है, जो बहुत तेज फेंकते हैं, उनका आप देखेंगे वो एकदम अलाइन हो गए, वो एकदम सीधी रेखा में भागेंगे, एकदम टारगेट की तरफ सीधा भागेंगे। और दूसरी चीज आप देखेंगे वो रनअप नहीं फंसेंगे, उनका रनअप वो टॉप स्पीड पे क्विकली आ जाते हैं और जल्दी से जल्दी अपने टॉप स्पीड पिक कर लेते हैं क्योंकि उनका रनअप में कोई भी दिक्कत नहीं होता। जब वो बॉल अपना उठाते हैं तो डायरेक्ट रनअप पे एकदम तेज भागते हैं और अच्छा भागते हैं। तो रिदम मोमेंटम जरूरी है। तो हम ये भी कह सकते हैं कि रनअप क्या है, हमारा बेसिक टेक्निक है, टोन सेट करता है बॉल डालने के लिए। तो रनअप का आपका अच्छा होना बहुत जरूरी है और रनअप का अच्छा होने के साथ साथ आपका अलाइन होना भी जरूरी है। तो इन दो ड्रिल्स को अगर आप फॉलो करेंगे तो आपका अलाइन भी रहेंगे और आपका रनअप भी अच्छा रहेगा। आप हमारे कमेंट सेक्शन में आइए और बताइए आपकी रनअप पे क्या प्रॉब्लम है, तो मैं उस पर भी वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा। और हाँ, आप अपनी वीडियोस एनालाइज कराने के लिए हमारे इंस्टा FB या हमारे व्हाट्सएप पे भेज सकते हैं, जो हमारे एकेडमी का व्हाट्सएप नंबर है, मैं आपकी जरूर हेल्प करूंगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें।